हाँ भाई, टॉपिक है संयोग सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, और या फिर अपने पास इसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने उस दिन बताया भी था कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी अपने पास आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी का मान काफी कम करना पड़ता है, पर एक लिमिट के बाद में फोकस दूरी को बहुत कम करना भी संभव नहीं है, ठीक है। तो अत्यधिक कम नहीं कर सकते, तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, संयोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस होता है, संयोग सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस काम में लिए जाते हैं। तो आवर्धन क्षमताएं जो होती है ना, वो एक की जगह दो की काम में आएगी, और दो की आवर्धन क्षमताएं जुड़ेगी नहीं भाई, गुणा होती है अपने पास, मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई होगी तो जैसे दो और चार हैं तो प्रतिबिंब कितने गुना हो जाएगा, आठ गुना हो जाता है अपने पास। अभी समझ में भी आ जाएगा कैसे अपने पास आवर्धन क्षमता के मान में वृद्धि होती है। लाइट जला के देखो ना, क्या रहने है? देख लो। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो अपने पास, हाँ बंद कर लो, डायग्राम बना देता हूं मैं। डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है इसका, नीचे लिखो है? अच्छा, बाद नीचे का ज्यादा कवर हो रहा है क्या है? सही है, अब तो आ रहा है ना, ठीक है। चलो जी भाई, देखो भाई, सबसे पहले मैं एक बार शुरुआत कर देता हूं कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कैसे होती है अपने पास, कैसे बनाई जाती है। बनावट में आते हैं इसमें, इसमें दो लेंसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पंखा बंद कर दो, पंखे से भी होता है इसमें, ये वाला अपने वाला एक तो चलने दो, हाँ सही है वो चलने दो। हाँ भाई, लाइट बंद करो। इसमें अपने पास क्या होते हैं, दो लेंस काम में लिए जाते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं अपने पास। वस्तु के निकट का जो लेंस होता है वो अभिदृश्य लेंस कहलाता है, जो आंख के पास का लेंस होगा वो कौन सा लेंस हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका होता है, ठीक है। तो दो लेंसों का उपयोग किया जाता है, अभिदृश्य और अभिनेत्र लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये लेंस जो है ना अपने पास, कॉपी दे एक बार, ये लेंस इस तरह से समझो, अपने पास एक बेलनाकार नली ली जाती है भाई, अपने पास ये बेलनाकार नली हो गई देखो, ठीक है ना। इस नली के यहां पर एक लेंस रख दिया जाता है, ये लेंस वस्तु के पास में रखा जाएगा तो ये अभिदृश्य लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाएगा, अभिदृश्य लेंस। तो एक लेंस तो नली के किनारे पर यहां पर लगा रहता है। अब अपन चलते हैं, एक नली दूसरी और होती है भाई अपने पास, ये दूसरी नली होती है, इसमें एक लेंस यहाँ ऊपर लगा दिया जाता है। यूं देखेंगे अपन इसमें तो ये लेंस जो है अपने पास वो नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस कहलाता है। और इन दोनों नलियों की पोजिशन जो है वो अभी समझ में आ जाता है, इस तरह से होती है भाई, एक के अंदर दूसरी नली रहती है, ये देखो एक के अंदर दूसरी नली लगी रहती है,
यहां पर कौन सा लेंस हो जाएगा? अभिदृश्य लेंस हो जाएगा। आंख के पास वाला कौन सा लेंस हो जाएगा? अभिनेत्र लेंस होता है, ठीक है। यहां पर एक पेच लगा हुआ रहता है, इस पेच की सहायता से दोनों लेंसों के मध्य दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब समायोजित किया जा सकता है। कैसे? ये नली आगे या पीछे सरक जाएगी अपने पास, नली आगे या पीछे सरकेगी अपने पास, तो दोनों लेंसों के मध्य दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, या कोई डाउट है अपने पास? अगर डाउट है तो बोलो अपने पास, फिर बता देता हूँ। इसमें दो लेंसों का उपयोग होता है, वस्तु के पास वाला लेंस अभिदृश्य लेंस होता है, आंख के पास वाला जो लेंस होगा वो अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहलाएगा, ठीक है। ये नली में अपने पास एक पेच लगा हुआ रहता है, इस पेच की सहायता से दोनों लेंसों के मध्य दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, कम ज्यादा किया जा सकता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्लियर है? आगे अपन अब चलते हैं, अब डायग्राम के आधार पर बता देता हूं मैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आ जाए, ये अभिदृश्य लेंस हो गया बेटा, ये कौन सा लेंस है? अभिनेत्र लेंस हो गया। आप लोगों को अभिनेत्र लेंस बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अपने को ये लिखना है कि नेत्रिका का द्वारक अभिदृश्य के द्वारक से बड़ा होता है, मतलब अभिनेत्र लेंस का द्वारक किससे बड़ा होता है? अभिदृश्य लेंस के द्वारक से बड़ा रखा जाता है। क्यों बड़ा रखा जाता है? इसका जवाब आप लोगों को 12वें पार्ट में मिलेगा भाई, इसके जो आगे वाला पार्ट है ना वहां मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अपने पास इसका द्वारक इससे अधिक रखा जाता है। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलें इसमें। देखो सबसे पहले वस्तु कहाँ रखी जाती है, ये लेंस का प्रकाश केंद्र इसका ओ मान लो, ठीक है। इसका अपन मान लेते हैं कि ओ डैश है। वस्तु को इस लेंस के फोकस से परे रखा जाता है, तो ये वस्तु हो गई अपने पास, इसके फोकस से ये परे रखी जाती है वस्तु। प्रकाश की किरण जब यहां से चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है ना अपने पास। अब ये किरण तो फोकस से गुजरेगी अपने पास, ठीक है। आगे चलें, एक किरण जो है वो प्रकाश केंद्र वाली ले लेता हूं वही मैं, ये दोनों किरणें काटेगी और ये यहां पहुंच जाएगी और ये यहां पहुंच जाएगी अपने पास, ठीक है। जहां पर ये दोनों किरणें काटती है उस जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। देखो भाई ये वस्तु हो गई पी क्यू, आ गया होगा समझ में। यहां पर इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा भाई, ऐसा बनेगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो अभिदृश्य लेंस के द्वारा छोटी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं अपन? वास्तविक और उल्टा, और दोनों लेंसों के बीच में बनता है भाई। कहां पर बनता है? दोनों लेंसों के बीच में। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए तो प्रतिबिंब है, लेकिन इस लेंस के लिए किसका कार्य करने लगेगा? वस्तु का कार्य करने लगता है। तो यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो अब अपने पास यहां से चले, ये किरणें इधर ले लो, कुछ किरणें यहां से ले लेते हैं, ऐसे ही एक आध किरण ये यहां से ले लेते हैं। यहां से कोई आदमी अगर देखेगा, ठीक है ना, तो हाँ एक चीज और बता देता हूं, ये अपन करते हैं ना, मैंने बताया था नली को आगे पीछे कर सकते हैं पेज की सहायता से, तो वो इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ना, इस लेंस के प्रकाश केंद्र और इसके फोकस के मध्य आ जाना चाहिए, मतलब ये जो प्रतिबिंब बना पहले लेंस के कारण है वो दूसरे लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाना चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं ओ और एफ के मध्य अगर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से काफी बड़ा बनता है और वस्तु की ओर ही बनेगा। तो जब कोई आदमी यहां से देखेगा तो ये किरणें उस आदमी को कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई लगेगी अपने पास। जहां से आती हुई लगती है उस स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। अब देखो जी भाई, ये प्रतिबिंब इस वस्तु का यहां पर बना दिया, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? देखो एक बार, सबसे पहले ये हो जाएगा P डबल डैश और ये Q डबल डैश हो जाएगा अपने पास, ठीक है।
तो अब एक बार वापस चलें, ये इस लेंस के लिए प्रतिबिंब यहां बन गया कि नहीं बन गया? प्रतिबिंब कैसा बना बताओ? आभासी, सीधा नहीं है, वो वस्तु ऊपर है, ये कहां है? नीचे। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है पर सीधा नहीं बनता है, वस्तु का उल्टा बनता है। तो आभासी वस्तु का उल्टा, वस्तु से काफी बड़ा और वस्तु की ओर ही बनता है। तो पूछते भी हैं, अभिनेत्र लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो क्या लिखोगे? आभासी होता है, वस्तु का उल्टा होता है, वस्तु की ओर होता है, ठीक है ना, और वस्तु से काफी बड़े प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक है, कोई डाउट हो मैसेज कर दो, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये तो जो है प्रतिबिंब का निर्माण है। तो इसमें दो टॉपिक हो चुके हैं, एक तो हो गया भाई बनावट, ये हो गया कंप्लीट। सेकंड नंबर हो गया प्रतिबिंब का निर्माण, ये भी हो गया, ये मान लो जी भाई। ठीक है, चाहो तो प्रतिबिंब का निर्माण एक बार फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि कोई दिक्कतें नहीं हो। देखो भाई, ये वस्तु हो गई, ये वस्तु जो है इस लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस से परे रखी जाती है। फोकस से परे रखोगे तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली, फोकस से गुजर गई, ये किरण सीधी चलेगी, तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ये वास्तविक और उल्टा हो गया। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। एडजस्टमेंट इस प्रकार से करते हैं कि ये प्रतिबिंब इस लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए। फोकस में के बीच में आ जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो देखो, ये वस्तु हो गई, ये आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो इस लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ? देखो एक बार, आभासी हो गया, वस्तु का उल्टा हो गया, वस्तु की ओर हो गया और वस्तु से बड़ा हो गया। मेरे हिसाब से अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दो तीन बार क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे एक चीज चलते हैं, इन दोनों लेंसों के मध्य यहां से यहां तक की दूरी, ये कहलाती है भाई नली की लंबाई। क्या कहलाती है? ये नली की लंबाई कहलाती है। नली की लंबाई कैसे कहलाती है? इसको यूं मान सकते हैं अपने पास, ये रही, एक लेंस यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, तो दोनों लेंसों के मध्य दूरी किसके बराबर होती है? उस नली की लंबाई के बराबर होती है। इसको कैपिटल एल से लिखा जाता है। आगे अपन बढ़े वापस। देखो, अब मैं दूरियां देख रहा हूं। सबसे पहले चलो भाई यहां से, ये वस्तु हो गई इस लेंस के लिए हो गई, वस्तु की दूरी किसमें हो जाएगी? माइनस में यू ओ, ये जीरो नहीं है भाई, यू ओ है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये यू ओ हो गई अपने पास। क्लियर है? तो ये यू ओ कर दिया। तो ये दूरी यहां से यहां तक की तो हो गई यू ओ हो गई, ये प्रतिबिंब हो गया, तो यहां से यहां प्रतिबिंब की दूरी हो गई। तो इसके लिए प्रतिबिंब हुआ तो इसको अपन लिख देंगे वी ओ, ये भी समझ में आ गया होगा, ये यू हो गया, ये वी हो गया, ये माइनस में होगा, ये किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाता है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। ये प्रतिबिंब इसके लिए किसका कार्य कर रहा है? वस्तु का। तो फिर वस्तु की दूरी काम में ले ओ, ये वस्तु की दूरी हो गई माइनस में, देखो माइनस में यू ई लिखेंगे भाई, ई फॉर आई पीस, तो ये हो गया माइनस में यू ई, इस साइड में तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ये प्रतिबिंब हो गया इसके लिए, ये किस में आएगा बताओ? वी ई में आएगा, वी ई भी माइनस में आएगा, क्यों? इस साइड में है कि नहीं है अपने पास? तो वी ई भी किस में आएगा? माइनस में। अभी मैं आगे लूंगा काम में, वी ई तब बता दूंगा। दूरियां समझ में आ गई सारी की सारी? ठीक है, सबसे पहले तो अब अपन चलते हैं इसमें, एक चीज तो ये चलते हैं नली की लंबाई। क्या चलते हैं? नली की लंबाई कितनी होगी? नली की लंबाई बोलो, दोनों लेंसों के मध्य दूरी किसके बराबर होगी? नली की लंबाई के बराबर। तो क्या लिखेंगे? V O का मोड प्लस U E का मोड, मोड लेना जरूरी है भाई, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? फिर मैं कारण बता देता हूं। देखो, मान लो यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है,
और ये दूरी मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहां से यहां तक 10 है और यहां तक कितनी है 7 है, तो गणित के हिसाब से दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितना हो गई, 17 हो गई, ये 10 हो गई और ये 7 हो गई। तो उत्तर कितने आने चाहिए, 10 प्लस 7 बराबर कितने आने चाहिए, 17। अगर आपने चिन्ह प्रथाएं लगाई और मोड नहीं लिया तो देखो उत्तर कितना आ सकता है, ये 10 तो प्लस में ले लोगे आप। अगर आपने ये चिन्ह किसका है, माइनस का, अगर इस 7 को माइनस में माना तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, जो गलत आएगा सही आएगा ये बता दो, गलत आ गया। आना कितना चाहिए था इसमें, 17 आना चाहिए था। तो इस कमी को दूर करने के लिए अपने पास क्या तरीका अपना रखा है अपन ने, कि चिन्ह प्रथाएं जो है लेंस सूत्र में नहीं लागू होती है, अगर अपने को दूरी ही ज्ञात करनी है तो सीधा तरीका यह कर रखा है, वी ओ का मोड प्लस क्या आएगा, यू ई का मोड, मतलब इस दूरी का भी मोड ले लिया, इस दूरी का भी मोड ले लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलें, ये तो बात हो गई यहां तक की, अब अपन चलते हैं कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, आवर्धन है क्षमता। आप परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, कैपिटल एम से लिखते ही हैं अपने पास। क्या परिभाषा होती है भाई, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण का अनुपात किसके बराबर होता है, कोणीय आवर्धन के बराबर होता है। तो एम किसके बराबर आ जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा के बराबर, बीटा वह अल्फा का मान काफी कम होने पर, अल्फा और बीटा का मान अगर बहुत कम है तो आप जानते हैं बीटा इज नियरली इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा इज नियरली इक्वल टू 10 अल्फा हो जाएगा अपने पास। ये मान इसमें रखें एक बार के लिए अपन, तो क्या आएगा बोलो, एम बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले अपन चलें, देखो ये प्रतिबिंब हो गया, तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण किसके बराबर मान लिया मैंने, बीटा के बराबर मान लिया, क्योंकि ये प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण कितना हो गया, बीटा, ठीक है। अगर वस्तु को आंख से देखोगे, खुली आंख से देखते हो, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखते हो, कितनी दूरी पर रखोगे, माइनस डी दूरी पर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। उस स्थिति में ये अपने पास वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा बताओ, अल्फा के बराबर हो जाएगा। अल्फा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो टेन अल्फा तो इसमें से निकाल लो भाई, तो क्या लिखोगे बताओ, चलो टेन अल्फा बराबर पी क्यू अपॉन माइनस डी, कोई सा ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, टेन अल्फा बराबर पी क्यू अपॉन क्या जाएगा, माइनस में डी आ गया। उसके बाद में अपन चलते हैं टेन बीटा निकालोगे, टेन बीटा देखो एक बार कौन से में है, वहां से देखो बीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये इतना सा क्या हो गया, आधार हो गया, क्या लिखोगे इसको बताओ जी भाई, P डैश Q डैश अपॉन माइनस यू ई, एनी डाउट, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इसमें रखो, तो मान रखने पर, मान रखने पर देखो भाई क्या रहेगा, M इज इक्वल टू P डैश Q डैश अपॉन माइनस यू ई अपॉन पी क्यू अपॉन माइनस डी हो जाएगा अपने पास। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां से प्लस हो जाएगा, तो एम का वैल्यू क्या आया, पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इंटू डी अपॉन यू ई, ये रहा, इसको उल्टा कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर लिया अपने पास, ठीक है। अब बोर्ड पर जगह नहीं है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई।
ये पायल तूने टेस्ट दिया था क्या? पायल यादव ने एक निशा तूने भी टेस्ट नहीं दिया, नाम नहीं लिखा हुआ था क्या? तो नाम लिखना चाहिए था ना। अच्छा अच्छा चलो जी भाई आगे चलें। देखो भाई एक दो चीजें हैं वो पहले लिख लेते हैं उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। एक तो आया L बराबर V जीरो का मोड आया था, ठीक है ना, प्लस क्या आया था UE का मोड आया था, और M का मान क्या आया था देखो P डैश Q डैश अपॉन P Q इंटू D अपॉन UE। ये मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो P डैश Q डैश और P Q का मान निकालना है भाई। तुम बोलोगे भाई नाप के लिख दो, सूक्ष्मदर्शी में देखने वाली वस्तुएं इतनी छोटी होती है कि उनको नापना संभव नहीं है, इसलिए अपने को इसको हटाना है भाई। अब हटाने का तरीका देखो एक बार मैं बताता हूं। यहां से अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा बताओ, थीटा। शीर्षाभूमिक प्रॉपर्टी से दोनों कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए? ये दोनों कोण बराबर हैं। थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो गई बताओ, लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। इसमें ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, देखो एक बार P Q O, P डैश Q डैश O दोनों समकोण त्रिभुज भी हैं और समरूप भी हैं, दोनों समकोण भी हैं और समरूप भी हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं त्रिभुज P Q O व त्रिभुज P डैश Q डैश O क्या है, ये एक तो है समकोण हो गए व समरूप हैं। आ गया होगा समझ में, जिनका रूप एक जैसा है। तो समकोण और समरूप है तो पहले प्रमेय पढ़ा चुका हूं मैं, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार हो जाएगा। इस सूत्र के आधार पर अगर आप चलते हो तो क्या आएगा बताओ, पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश हो गया। देखो ये लंब बटे इसका लंब हो जाएगा, फिर इसका आधार बटे इसका आधार हो जाएगा। अब यहां से देखो आप, इसका आधार कितना है बताओ, क्यू ओ, इसका आधार कितना है क्यू डैश ओ हो गया। पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश, क्यू ओ किसके बराबर है देखो एक बार, माइनस में यू जीरो के बराबर हो गया, तो इसको लिख दो माइनस में यू ओ के बराबर हो गया। क्यू डैश ओ किसके बराबर है देखो, यहां से यहां तक की दूरी वी ओ के बराबर हो गई अपने पास, तो इसको ये लिख दिया अपन ने वी ओ। ये मान समीकरण एक में शिफ्ट करो भाई, तो क्या आएगा समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में जब ये मान आप रखेंगे तो सबसे पहले अपन चलते हैं, ये तो मिटा देता हूं अब मैं, ये मान रखोगे तो अपने पास m का सूत्र बनेगा, p डैश q डैश का मान हो गया ये, हाँ उल्टा करके रखना पड़ेगा भाई क्योंकि p डैश q डैश है उसमें ऊपर, तो माइनस में vo अपॉन क्या आएगा uo आएगा, तो माइनस में vo अपॉन uo इंटू d अपॉन ue के बराबर होता है। अब एक चीज आप ध्यान देना, देखो ये लिख सकते हैं इसको एम ओ इंटू एम ई, यहां पर एम ओ तो किसके बराबर माना है मैंने, ये तो माना है माइनस में वी ओ अपॉन यू ए के बराबर, और एम ई किसके बराबर माना है डी अपॉन यू ई के बराबर।
ये देखो दो लेंसों की आवर्धन क्षमता गुणा हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कोणीय रेखीय आवर्धन किसका हो गया? ये हो गया अभिदृश्य लेंस का, ये कौन से का हो गया? अभिनेत्र लेंस का हो गया। तो दोनों जब गुणा होंगे, दोनों गुणा होंगे तो अपने को आंसर जो आएगा वो बढ़ाएगा कि नहीं आएगा। मान लो कि जो अभिदृश्य लेंस है वो 3 गुना प्रतिबिंब बना देता है, अभिनेत्र लेंस जो है वो 4 गुना कर देता है। तो 3 × 4 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु का 12 गुना बनेगा। इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी आवर्धन क्षमता का मान सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में काफी अधिक प्राप्त होता है। मतलब अगर मान लो कि उससे केवल 5 गुना ही कर पाए तो अपन इससे 25 गुना भी कर सकते हैं, और अगर 10 10 हैं तो 50 गुना भी कर सकते हैं, 100 गुना भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे भाई। हाँ ये लाइट कम होने से है ना दिख जाएंगे। चलो भाई आगे चलें। अक्सर बड़े लिखते हैं बोर्ड छोटा पड़ जाता है फिर मेरे को, अक्सर बड़े लिखता हूँ ना तो बोर्ड छोटा पड़ जाता है ना, दिखता सही है बड़े अक्षरों में बस। हाँ भाई वापस अपन चल रहे हैं। L बराबर V0 का मोड आया प्लस क्या आया UE का मोड आया, M का सूत्र क्या आया माइनस में VO अपॉन UO इंटू डी अपॉन UE के बराबर आया। ठीक है बेटा, अब अपन इसकी दो कंडीशन चलेंगे भाई। फर्स्ट कंडीशन, अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु मतलब डी दूरी पर परे हो तो देखो भाई एक चीज बता देता हूं मैं, दो कंडीशन आएगी, इसको बोलते हैं सामान्य समायोजन। क्या कहते हैं इसको? सामान्य समायोजन, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर कुछ नहीं कहा जाए इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर माना है? किताब में डी दूरी पर माना है, न्यूमेरिकल में लिखते नहीं है तो अपने आप अंडरस्टूड ही रहता है और यहीं पर मानना होता है। सबसे पहले अपन चलें, अंतिम प्रतिबिंब ये हो गया। अंतिम प्रतिबिंब इस लेंस के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस लेंस के लिए जो दूरी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी ये बता दो, VE के बराबर हो जाएगी। तो पहली बात तो ये याद रखो कि अंतिम प्रतिबिंब कौन से लेंस के लिए बन रहा है? अभिनेत्र लेंस के लिए बनता है। ये तो बात हो गई यहाँ पर। प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु की ओर हो रहा है, इसका मतलब VE का मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। एक ये कंडीशन हो गई अपने पास कि नेगेटिव आएगा। एक और चलता हूं मैं, इसमें दो तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट प्रतिबिंब का निर्माण तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु का निर्माण प्रतिबिंब का निर्माण डी दूरी पर हो रहा हो तो उस स्थिति में तुम यहाँ ये लिख देना माइनस डी। क्या लिख देना? माइनस डी लिख देना बस, कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? डी दूरी पर। इसका सेकेंड टॉपिक ये आएगा, क्या आएगा बताओ सेकेंड टॉपिक, कि अनंत पर हो रहा है प्रतिबिंब का निर्माण, कहाँ पर हो रहा है? अनंत पर। उस स्थिति में आपको ये डायग्राम यहां से मिटाना है और इन लाइनों को जो है ना खुली छोड़ देना। ये लाइनें कहां से चली जाएगी? अनंत पर चली जाती है। ये चित्र में परिवर्तन कर देना है अगर स्पेशली कुछ पूछा जाए तो, और स्पेशली कुछ नहीं पूछा जाए तो अपने को अपने हिसाब से बना देना है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब
एक बार मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, देखो सामान्य समायोजन है तो VE किसके बराबर लेंगे अपन, माइनस D के बराबर ले लेंगे। लेंस सूत्र क्या था बताओ। चलो लेंस सूत्र से 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब किसके बन रहा है, नेत्रिका के लिए बन रहा है, तो सब जगह E लेना पड़ेगा। मान रखो तो 1/FE बराबर 1/-D 1/-UE, वो सब जानते ही हो। डी से गुणा कर दो इसको, डी से गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ। चलो डी दिख रहा है ना, अपॉन एफ ई बराबर डी अपॉन माइनस डी प्लस डी अपॉन यूई, ये माइनस एक के बराबर हो जाएगा। इसको इस साइड में ले आए अपन तो क्या आएगा बताओ। चलो 1+D अपॉन एफ ई और बराबर क्या आएगा, डी अपॉन यूई हो जाएगा। ये मान इसमें रखो भाई, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा आंसर बोलो, m बराबर माइनस में vo अपॉन uo इंटू 1+D अपॉन एफ ई। आगे चलें अपन, सेकंड कंडीशन, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो तो VE किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में देखो 1/FE 1/VE माइनस 1/UE, मान रख दो इनके, तो 1/FE 1/-infinite माइनस 1/-UE, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो क्या आएगा बताओ। चलो 1/FE बराबर 1/UE और UE किसके बराबर हो जाएगा, FE के बराबर। ये रख दो भाई समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर क्या रहेगा बताओ। चलो M का मान आएगा माइनस में VO इंटू UO इंटू D अपॉन FE, ये न्यूनतम है भाई, और ये क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। पहले सरल सूक्ष्मदर्शी में भी आपने पढ़ाई है, ये डी अपॉन एफ ही आता है, ये 1+D अपॉन एफ आ जाता है इसमें अपने पास। इस समय नली की लंबाई भी बदल सकते हैं अपन चाहो तो। क्या लिखोगे, वी ओ का मोड यू ई किसके बराबर हो गया, एफ ई के बराबर हो जाता है, तो इसमें ये भी लिखा जा सकता है। क्लियर है मामला अपने पास, दोनों कंडीशन पढ़ा दी है। इन दोनों ही कंडीशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि m समानुपाती 1/F0 और m समानुपाती 1/FE, अतः अपने को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दोनों लेंसों की फोकस दूरी का मान काफी कम रखना चाहिए, ताकि अधिकतम फोकस दूरी प्राप्त, अधिकतम आवर्धन क्षमता प्राप्त की जा सके। ठीक है बेटाओ, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर अपन देखते हैं।